खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने आप पार्टी के पदाधिकारी हवाई पट्टी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसे नाराज होकर आप पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ हवाई पट्टी में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करवाई। पार्टी के पदाधिकारियों ने मनगवा चाकघाट मार्ग का हुआ घटिया निर्माण और आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान आप पार्टी के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा प्रशासन नहीं चलेगी। युवा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा प्रशासन होश में आओ। जो है सुबह जो है कल परसों से हम लोग जो है अपने बात को लेके नेशनल हाईवे पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह एक्सीडेंट हुए, 100 के अधिक संख्या में जो लोग मरे, गडकरी जी से लगातार हम लोग ट्वीट पे बात कर रहे थे, सब सारे काम हो रहे थे। उसके बाद जो जिस प्रकार से आज सवेरे जो है कल से जो है जिस प्रकार के उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया जो कंपनी है, और आज हम लोग मुलाकात करने की मंशा से थे, और हम लोग का पहले प्रोग्राम दूसरा था कि शहर के अंदर में पुतला दहन करेंगे, सब काम को लेकर था। प्रशासन को जानकारी हुई, उसके बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहे, और उसके बाद ये हुआ, हम लोगों एक बार बोला गुड़ में मुलाकात करें, हम चार लोग ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, उसके बाद बुलाया वहाँ से, यहाँ बुला लिया, वहाँ बुला लिया। उसके बाद जो है हम लोग जाने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग की स्थिति ये हुई कि हमको यहाँ बुला के यहाँ बैठा लिया गया, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर जमीन बैठ गए। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.